ये सात सेल्फियां पड़ेंगी भारी। जानवरों के साथ सेल्फी, जानवरों के साथ सेल्फी की सनक कई बार लोगों को भारी पड़ी है। अजगर के साथ सेल्फी के चक्कर में जहां लोग अपनी जान आफत में डाल चुके हैं, वहीं भालू और हाथी जैसे जानवरों के साथ सेल्फी क्लिक करने के चक्कर में कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। समंदर के किनारे सेल्फी, समंदर किनारे तेज उठती लहरों के बीच सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ऐसे कई मामले हाल में भी देखने को मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मामले सामने आने के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। वॉटरफॉल में सेल्फी, वॉटरफॉल देखने गए लोगों में भी सेल्फी का क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन एक लापरवाही यहां आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है। देश के कई हिस्सों में ऐसे वाकये हुए हैं जब वॉटरफॉल में सेल्फी की सनक लोगों की जान पर भारी पड़ी। नदी या तालाब में सेल्फी, नदी तालाब या किसी रिजर्वायर के बीच जाकर सेल्फी क्लिक करना कई लोगों को महंगा पड़ चुका है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब सेल्फी लेने के लिए लोग पानी में उतरे लेकिन वहां से फिर उनकी लाश ही लौट सकी। ऐसी सेल्फियों से तौबा कर लें। नाव में सेल्फी, नाव में सफर के दौरान सेल्फी लेना भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा ही एक वाकया नागपुर में सामने आ चुका है जहां वेणा डैम में बोटिंग के दौरान सेल्फी लेते हुए 8 लड़के पानी में डूब गए थे। सेल्फी के चक्कर में नाव का बैलेंस बिगड़ा और ये लड़के अपनी जान गंवा बैठे। रिवॉल्वर के साथ सेल्फी, बंदूक या पिस्टल जैसे किसी हथियार के साथ सेल्फी लेना कितना घातक हो सकता है, इसका उदाहरण पठानकोट में सामने आ चुका है। यहां 10वीं का एक स्टूडेंट अपने पापा की रिवॉल्वर के साथ सेल्फी ले रहा था और तभी गोली चलने से वो घायल हो गया। ट्रेन या रेलवे ट्रैक पर सेल्फी, ट्रेन में सफर के दौरान दरवाजे पर खड़े होकर सेल्फी लेना या ट्रैक पर आ रही गाड़ी के आगे खड़े होकर सेल्फी क्लिक करना भी कई युवाओं को भारी पड़ चुका है। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवाई है। सेल्फी शौक से लीजिए, लेकिन सेल्फी से ज्यादा सुरक्षा को तरजीह दीजिए। ये सेल्फी जानलेवा।